हाय ऑल, वेलकम टू न्यूट्री कुकिंग। मैं हूं शालिनी। आज मैं शेयर करूंगी मेरे कोरोना पॉजिटिव होने की 9th डे से 14th डे की जर्नी। अगर आपने हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ली है तो आपकी 70 से 80% कोरोना से रिकवरी हो सकती है। कोरोना से हुई वीकनेस से रिकवर होने में कम से कम 4 से 5 हफ्ते लगते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म इलनेस है जैसे बीपी, डायबिटीज, थायराइड, तो हो सकता है रिकवरी में थोड़ा समय लगे। फास्ट रिकवरी के लिए आप इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आप खुश रहें, अपने आप को बिजी रखें, नेगेटिव बातें पढ़कर या सुनकर बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस्ड ना हो, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर आपके इम्यूनिटी पर पड़ता है। दूसरा, हाइजीन का ध्यान रखें, बार बार हैंड वॉश करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करें। तीसरा, पूरे दिन में कम से कम 7 से 8 ग्लास गुनगुना पानी पिएं और पूरे दिन में कम से कम 2 से 3 बार गुनगुना नींबू पानी लें। चौथा, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, डीप फ्राइड फूड और शुगरी फूड को अवॉइड करें, क्योंकि ये खाना आपके इम्यूनिटी को असर तो करता ही है, साथ ही साथ आपका बीपी, डायबिटीज और थायराइड लेवल को भी बढ़ाता है। पांचवा, कोई भी होम रेमेडीज या व्हाट्सएप मेडिसिन फॉलो करने से पहले अपने बॉडी के सिम्टम्स को पहचानें और अगर आपको कोई एलर्जी है तो आप डॉक्टर की गाइडेंस में ही मेडिसिन लें। छठा, रेगुलर स्टीमिंग और गरारे करते रहें और दिन में कम से कम 15 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। लास्टली, आप घर का खाना खाएं और हेल्दी डाइट फॉलो करें। आपकी डाइट प्रोटीन रिच और फाइबर रिच होनी चाहिए। यहाँ मैं कुछ रेसिपीज शेयर करूंगी जो प्रोटीन रिच और फाइबर रिच है, जो घर में आसानी से बेसिक इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है और ये सारी रेसिपीज बीपी, डायबिटीज और थायराइड फ्रेंडली है। दिन की शुरुआत एक हेल्दी और फुलफिलिंग ब्रेकफास्ट से करें, जैसे ओट्स इडली, ओट्स डोसा, ओट्स उपमा, ओट्स पैनकेक, मसाला ओट्स, ओट्स पॉरेज, ओट्स ग्रैन्यूला बार। ये सारी रेसिपीज अफोर्डेबल है और इन्हें कोई भी बना सकता है। लंच आपका प्रोटीन रिच और फाइबर रिच होना चाहिए, जैसे एक बोल वेजिटेबल सैलेड जिसमें आप अलग अलग तरह की सब्जियों का यूज करें, क्योंकि हर कलर की सब्जी के अलग फायदे हैं। एक बोल दाल, आप सभी तरह की दाल खाएं क्योंकि हर दाल के अलग फायदे हैं। एक बोल ब्राउन राइस और 2 मल्टीग्रेन चपाती। अगर आप ग्लूटेन फ्री हैं तो आप ओट्स रोटी, मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी, चावल की रोटी या बेसन की रोटी भी खा सकते हैं। स्नैक्स टाइम में आप ओट्स लड्डू, वॉलनट्स लड्डू, ओट्स ग्रैन्यूला बार, ओट्स बिस्किट, प्लांट बेस्ड मिल्क या मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। इन सारी रेसिपीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। रात को 8 बजे से पहले आप अपना डिनर कर लें। डिनर में आप वेजिटेबल सूप, लेंटिल सूप, दाल चावल, इडली सांभर, वेजिटेबल ब्राउन ब्रेड सैंडविच खा सकते हैं। डिनर आप हमेशा अपना लाइट रखें ताकि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और रात को आप 10 बजे तक सो जाएं, ताकि आपकी बॉडी को पूरा रेस्ट मिले और आप सुबह फ्रेश फील करें। सभी प्रिकॉशंस फॉलो करने के बाद भी अगर कोविड हो जाए तो आप अपने आप को कोसे नहीं। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा हो, गुजर ही जाता है, ये कठिन समय भी निकल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप हिम्मत रखें और घर का खाना खाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। Please like, share and subscribe my channel. Till then, eat right, stay bright.